हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिसकी देख सकते हैं जो कार है एमियो पेट्रोल 1.2, तो देख सकते हैं इसकी जो प्रॉब्लम है, चाबी ऑन करती है फैन डायरेक्टली चालू हो जाता है और एसी वगैरह सब बंद हो जाता है, एसी ऑन नहीं होता अगर फैन डायरेक्टली चालू हो जाता। तो हमने स्कैन किया जो कि स्कैन में आ रहा है, देख सकते हैं कूलिंग फैन 1 कंट्रोल सर्किट, दूसरा आ रहा कूलेंट फैन कंट्रोल मॉडल आ रहा है, जो इंजन कूलेंट मतलब जो कि है फैन का ही प्रॉब्लम दिखा रहा है, जो फैन का मॉड्यूल का इशू दिखा रहा है। तो देख सकते हैं, तो इस तरह से सारे कोड आ रहे हैं जो कि इसमें मेन जो है फैन का ही कोड है और फैन का ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो देख सकते हैं, हमने फैन खोल के रख लिया है और मैंने खोल लिया फैन, जो कि फैन इसका नीचे से निकलेगा, ऊपर साइड से नहीं निकाल सकते। और हमने नया फैन मंगा लिया है जो कि इसके अंदर ही सारे मॉड्यूल है जो फैन के अंदर है। तो देख सकते हैं ये सॉकेट और इसी की फैन के अंदर मॉड्यूल है जो कि कंप्रेसर ऑन करता है, एसी ऑन करता है यहाँ से सिग्नल मिलने के बाद। देखते हैं इसके अंदर है जो फैन मोटर है, उसके अंदर ही सिस्टम है, वहाँ से सिग्नल आगे सप्लाई होता है। तो देख सकते हमने फैन चेंज कर लिया है, ये देख सकते हैं हमने नया फैन डाल लिया है जो कि इसका सराउट अलग से है और फैन मैंने खाली डाला हुआ है। अब हम फिटिंग करेंगे और देखेंगे इसका आगे का प्रोसेस। तो देख सकते हैं हमने नीचे से ही फैन लगा रहे हैं और नीचे से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से जगह नहीं है, ऊपर से नहीं लग पाएगा। तो देख सकते अभी एक बार और कोड देख लीजिए, जिससे देख सकते कूलिंग फैन कंट्रोल सर्किट आ रहा है, तो उसी से रिलेटेड सब कोड आ रहे हैं जो कि सारे सिस्टम जो ऑफ हो रहे हैं उसकी वजह से, फैन की वजह से। तो देख सकते इस तरह से सब, देख सकते एसी का भी आ रहा है। तो इस तरह से देख सकते सब कोड आ रहा है जो कि इसकी जो प्रॉब्लम थी फैन का ही था और हो गया है, जैसे कि देख सकते जो कि प्रॉब्लम फैन का ही था, फैन हमने डाला जो कि काम हो गया। तो देख सकते कंप्लीट हो गया फैन डालने के बाद।